कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में विगत 8 दिनों से टापू बने हुए बालापुरा गांव में आखिरकार सोमवार को प्रशासन की मेहनत रंग लाई और यहां बीमार लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल पाई। इसमें दिगोद अधिकारी जब्बर सिंह और दिगोद SHO नंद सिंह का विशेष योगदान रहा। यहां चंबल नदी किनारे बसे हुए कोटसुआ ग्राम पंचायत के बालापुरा गांव में विगत 7 दिनों से चंबल नदी का पानी चारों ओर से पूरी तरह संपर्क काट चुका था। इसके साथ ही रविवार को टापू बने इस गांव में 27 लोगों की तबीयत खराब हो गई। ऐसे में उन्हें उपचार भी नहीं मिल पा रहा था, जहां रविवार को दिगोद उपखंड प्रशासन द्वारा NDRF की टीम ले जाकर जामीनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई, लेकिन नदी का तेज बहाव देखते हुए NDRF की टीम ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद सोमवार को प्रशासन ने फिर STRF की टीम बुलाई और फिर रेस्क्यू का कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद प्रशासन द्वारा रेस्क्यू टीम द्वारा उफनती नदी में 2 चिकित्सक भेजे गए, जिन्हें लेकर टीम बहुत मुश्किल से बालापुरा गांव पहुंची, जहां पर कुल 80 लोगों का 3 घंटे तक उपचार किया गया। इसके साथ ही ग्रामवासियों ने बताया कि उनके गांव के 2 युवक पास ही स्थित खेतों पर गए थे, जहां वो भी दूसरे टापू पर 48 घंटे से फंसे हुए हैं। इस पर STM द्वारा मौके पर ही STRF की टीम की मदद से उन दोनों युवकों को भी टापू से निकालकर सुरक्षित गांव पहुंचाया गया। इस तरह बालापुरा गांव वासियों को आखिरकार 8 दिन बाद चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सकी। पिछले 7 दिन से गांव के चारों तरफ पानी था, आवागमन पूर्णतया बंद था, लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बार बार वहां की मांग आ रही थी कि हमें मेडिकल सुविधा मुहैया कराया जाए। हमने कल NDRF के जवानों को बुला करके नाव से जाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने नाव उतारने से इनकार कर दिया था। आज SDRF के जवान ने आए, उन्होंने मौका मुहैया किया और उन्होंने कहा कि हम नाव उतार देंगे, और वो सक्सेसफुली डॉक्टर को लेकर के बालापुरा गए। वहाँ डॉक्टर ने करीब 80 लोगों का इलाज किया है, करीब 4 घंटे वहाँ रुके हैं। इसके साथ ही बालापुरा से लगता हुआ एक टापू है, वहाँ 2 लोग पिछले 48 घंटे से फंसे हुए थे, उनको भी रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला है। दिगोद उपखंड के अंदर बाढ़ की वजह से हमने करीब 12 गाँवों के अंदर जो लोग डूब क्षेत्र में आ रहे थे उनको सुरक्षित बाहर निकलवाया और उन्हें विभिन्न स्कूलों में या सरकारी भवनों में उनको ठहराया, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की। ऐसा कोई जिंदा आदमी दिखता है या पानी में फंसा हुआ दिखता है तो हमारे हौसले वैसे बुलंद हो जाते हैं। क्या पता ईश्वर की दया से होते हैं या कैसे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि चाहे अपन तो कैसे भी करके उन जिंदे आदमी को बाहर निकालना है, इसलिए हम तो इस भगवान के ईश्वर के ऊपर लेके और हम नाव डाल देते हैं और नाव हम सफल भी हो जाते हैं। हमारे जहाँ भी हमने रेस्क्यू किया वहाँ अच्छे सफल हुए और हमारे प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहता है, जैसे SDM साहब का, थानेदार साहब का, इन्होंने अच्छा सहयोग दिया। जैसे नाव वगैरह आए तो पब्लिक वगैरह ने सब सहयोग दिया। पब्लिक का गाँव में कुछ बीमार लोग थे, डॉक्टर साहब को लेके गए तो उन्होंने उपचार किया, कोई बुखार आ रहा था टेबलेट दी, किसी क्या किया, ऐसे कर 1.5-2 घंटे उन्होंने काम किया। सभी गाँव वालों को छोटी मोटी बुखारों की दवाई भी दी, इंजेक्शन भी लगाए और उन्होंने वहाँ 2 घंटे तक इलाज किया। उसके बाद में उनको लेके आए और 2 व्यक्ति उधर टापू फंसे हुए थे 3-4 दिन से, उनको भी हमने रेस्क्यू करके उसी बालापुरा गांव में निकाल के सुरक्षित छोड़ा उनको। रामदयाल मीणा वो मंदिर,